प्रतिष्ठा को लेकर देश के कोने कोने में उत्साह है। कहीं सैंड आर्ट के जरिए तो कहीं मकानों को रोशनी से जगमग कर इसे महाउत्सव बनाने की तैयारी हो रही है। अयोध्या की तैयारियां भी सभी को मनमोहक लग रही हैं। यहाँ जो भी पहुँच रहा है वो नए रंग में दिख रहा है। कुछ खास विधा से जुड़े लोग भी अपनी कला के जरिए इस महोत्सव में चार चांद लगा रहे हैं। अयोध्या पहुँचे देश के मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रामकथा पार्क में भगवान राम की एक कलाकृति बनाई है जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी है। ऐसा ही कुछ नजारा संगम नगरी प्रयागराज में भी देखने को मिल रहा है। करीब 20 घंटे की कड़ी मेहनत से सैंड आर्टिस्ट ने राम मंदिर के साथ ही प्रभु श्री राम का भव्य चित्र रेत से उकेरा है। वहीं चंडीगढ़ में तो मानो दिवाली ही आ गई है। यहां लोगों में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खासा उत्साह दिख रहा है। यहां के मकानों को जगमग लाइटों से रोशन किया गया है। इसी कड़ी में मुंबई के बांद्रा वर्ली से लिंक पर भगवान श्री राम की तस्वीर को रात में पुल के केबल पर लेजर लाइट के जरिए दिखाया जा रहा है। इस खूबसूरत नजारे को देखकर हर शख्स भक्ति भाव में डूब जा रहा है। इस तरह से हर तरफ राम नाम का जप हो रहा है और मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर पल को एक त्यौहार की तरह मनाया जा रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि बरसों बाद राम भक्तों का सपना जो पूरा हो रहा है और कल रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे, जिसको लेकर देश की बड़ी बड़ी हस्तियों का पहुंचना शुरू हो गया है।